दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज एक बार फिर हम आपके लिए 18 जुलाई 2019 गुरुवार की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर आए हैं। इन भर्तियों के फॉर्म जरूर भर ले। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताएं हैं जिनसे आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। कुछ भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना है और ज़्यादातर भर्तियों के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी जमा नहीं कराना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये भर्तियाँ किन किन विभागों के अंतर्गत निकली है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब इंडियन नेवी के अंदर निकली है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 104 खाली पद हैं। सैलरी आपको ₹19,900 से ₹63,200 अंडर लेवल 2 के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं क्लास पास होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। आयु की गणना 10 अगस्त 2019 से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2019 है। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। अकाउंटेंट टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए यहाँ पर 230 खाली पद हैं। सैलरी आपको ₹2,500 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं डिप्लोमा या फिर ITI या फिर ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। आयु सीमा यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। आयु की गणना 31 जुलाई 2019 से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है IOCL.com। इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 जुलाई 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अगस्त 2019 है। रिटर्न टेस्ट आपका 18 अगस्त 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 574 से ज़्यादा खाली पद हैं। सैलरी आपको एज पर नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 4th क्लास पास होना जरूरी है या फिर 8वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। आयु सीमा यहाँ पर आपकी 18 से 35 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर भी जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन कर्नाटका है, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है aanganwadirecruit.kr.nic.in। इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 14 अगस्त 2019 है। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 428 खाली पद हैं। सैलरी आपको लेवल 13A एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर PhD डिग्री होना जरूरी है आपका इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की डिटेल आप ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के केवल इंटरव्यू के आधार पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन दिल्ली है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in। इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 4 अगस्त 2019 है। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के अंदर।
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 125 खाली पद हैं। सैलरी आपको एज पर ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। 10+2 पास होना कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा 53 साल मैक्सिमम रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा कर सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ₹1,000 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं SC ST EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹500 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के केवल इंटरव्यू के आधार पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन दिल्ली है, ऑल इंडिया में कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है airindia.in। इंटरव्यू यहाँ पर आपका इस भर्ती के लिए 26 से 30 अगस्त 2019 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आप सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम आपको 6th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है इंडियन आर्मी के अंदर जैक 24th कोर्स अप्रैल 2020 के तहत। वेरियस पोस्ट को यहाँ पर बना जाना है, बम्पर भर्ती यहाँ पर निकली है। इस कोर्स के आधार पर पे स्केल यहाँ पर आपका ₹56,100 से ₹1,77,500 के बीच में रहेगा। LLB डिग्री का होना जरूरी है आपका इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। आयु सीमा यहाँ पर आपकी 21 से 27 साल रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर भी जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस भर्ती पर 14 अगस्त 2019 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 7th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि JRF की पोस्ट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ निकली है। सैलरी आपको ₹31,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। MSc, ME, MTech डिग्री होल्डर कैंडिडेट इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। 28 साल मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। आयु की गणना 30 जुलाई 2019 से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर भी जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के केवल इंटरव्यू के आधार पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन तिरुवनंतपुरम केरला है, ऑल इंडिया में कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है vssc.gov.in। इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2019 है, जो कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। अब हम आपको 8th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है साउथ इंडियन बैंक के अंदर प्रोबेशनरी लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ निकली है। सैलरी आपको यहाँ पर ₹30,700 से ₹42,020 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। LLB डिग्री होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। 28 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। आयु की गणना 30 जून 2019 से की जाएगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ₹800 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है और SC ST EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹200 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है southindianbank.com। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 17 जुलाई 2019 थी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 28 जुलाई 2019 है। ऑनलाइन टेस्ट आपका 11 अगस्त 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको 9th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के ही अंदर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ निकली है। पे स्केल आपका यहाँ पर ₹47,000 पर मंथ रहेगा। क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास PhD डिग्री का होना जरूरी है। 35 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 16 सितंबर 2019 से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर भी जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के केवल इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन तिरुवनंतपुरम केरला है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है vssc.gov.in। इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2019 है। अब हम आपको 10th यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें,
जो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ निकली है। सैलरी आपको रुपये 14,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री का होना आपके पास जरूरी है। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए 28 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर आपको जमा नहीं कराना है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका भी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, बिना किसी एग्जाम के, केवल इंटरव्यू के आधार पर ही आपके सिलेक्शन का डिसीजन यहाँ पर भी लिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन तिरुवनंतपुरम केरला है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है NIIST.res.in। इस भर्ती में इंटरव्यू में आप 29 जुलाई 2019 को पार्टिसिपेट कर सकते हो। सुबह 9 बजे से आप इस इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंटरव्यू का मेन्यू आप ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हो। इंटरव्यू में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ देम के साथ अपीयर करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियाँ। तो इसके बाद भी अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको प्रत्येक भर्ती के नीचे उसके ऑफिशियल नोटिस की PDF का लिंक दिया गया है, जिसको ओपन करके आपको इन भर्तियों के ऑफिस नोटिस को रीड करना है और उसके बाद आवेदन कर देना है। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इसके माध्यम से आप सिंपली इन भर्तियों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, उसके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का PDF दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आपको इस भर्ती से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की PDF को डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।